नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी रिसेंटली हम लोग ने देखा कि रेलवे स्टॉक में और पीएसई स्टॉक्स में एक अच्छा करेक्शन आया है, और ये करेक्शन मतलब अभी आप इसको टॉप बोल सकते हो कि ये स्टॉक्स में टॉप बन गया है या बॉटम बन गया है, ये तो हम लोगों को बाद में पता चलेगा। बट मैं आप लोगों को आज के वीडियो में दो ऐसे स्टॉक बताने वाला हूँ जो ऐसे करेक्शन वाले टाइम में हम लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की बाइंग दे रहे हैं, जिसे मैं जनरली रीटेस्ट बाइंग बोलता हूँ। अभी इसमें से एक स्टॉक है, वो तो 2008 के बाद उसने ब्रेकआउट किया था और उसने फिर से रीटेस्ट किया है, तो वहां पे एक हमें छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और दूसरा एक जो स्टॉक है वो मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है और रिसेंटली उसने एक सेकेंड ब्रेकआउट किया था, और वो स्टॉक में भी हम लोगों को एक अच्छी रीटेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हम लोग वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जनरली ब्रेकआउट ट्रेडिंग से ज्यादा अच्छा और ज्यादा अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड आप लोगों को रीटेस्ट में मिलता है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अगर आप लोगों के पास कोई भी पीएसई स्टॉक या फिर आपके पास कोई भी रेलवे स्टॉक है और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी वो आने वाले टाइम में और ज्यादा गिर सकता है, इसका अभी टॉप बना है या नहीं बना है ये आप लोगों को कैसे पता लगेगा, उसका मैं आप लोगों को एक जरा सा आइडिया दे देता हूँ। समझो अगर आपके स्टॉक में हायर लोज और हायर हाई बन रहे थे तो आपका स्टॉक ऑब्वियसली अप ट्रेंड में था, और रिसेंटली आपके स्टॉक ने एक हाई बनाया, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 100 रुपीज का, उसके बाद वो स्टॉक वापस नीचे आया 95 रुपीज तक, फिर से उसने एक टॉप बनाया 101 या 102 के आसपास और वापस से वो नीचे आ गया, तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके स्टॉक ने नया हायर हाई बनाना बंद कर दिया है और शायद आने वाले टाइम में वो नए लोज बनाना शुरू कर देगा। और अगर टॉप के ऊपर जो बड़े रेड कैंडल होते हैं उसके अंदर अगर ज्यादा वॉल्यूम भी हो रहा है तो इसका मतलब आप क्लियर कट समझ जाना कि आपके स्टॉक का अभी ऑलमोस्ट टॉप बन चुका है। तो ऐसे टाइम पे अगर आप लोगों के पास वो स्टॉक ऑलरेडी बाय है तो उसको डाउनसाइड में एवरेज करने की गलती मत करना, क्योंकि वो फिर डाउनसाइड का क्या एंड है वो आप लोगों को भी पता है कि जनरली रिटेल ट्रेडर टॉप पे ही मोस्टली फंसते हैं। अभी आज के वीडियो में हम लोग आते हैं हमारे टॉपिक पे, और आज मैं आप लोगों के साथ दोनों ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी रीटेस्ट अपॉर्चुनिटी बन रहे हैं। तो उसके अंदर सबसे हमारा जो पहला स्टॉक है उसका नाम है नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड। अभी देखो ये स्टॉक को मैंने अपने रिसेंट वाले एक संडे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, और अभी आप लोग इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये स्टॉक ने अपने 2008 का ब्रेकआउट ऑलमोस्ट अभी किया है, मतलब लास्ट मंथ में ही किया है, और वो भी आप देखो लास्ट मंथ का कैंडल भी स्ट्रांग था, और उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया था 134 से लेके 142 रुपीज के आसपास, और फिर ये स्टॉक यही महीने में ऑलमोस्ट 165 तक गया था। बट अभी हम लोग आ जाते हैं फिर से डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी आप लोगों को रीटेस्ट में कैसे ट्रेड लेना चाहिए उसका मैं आप लोगों को एक आइडिया देता हूं। अभी देखो ये जो दो ब्लैक लाइन है ना, ये दोनों ये स्टॉक का प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो ऑल टाइम हाई हम लोग ने देखा था। अभी मैंने यहाँ पे दो अलर्ट्स लगाए थे, एक 142 और एक 136 का लगाया था। 136 का तो अलर्ट बजा नहीं बिकॉज उसने 137.35 का ही लो मारा, आज का ही बात है ये। अभी यहाँ पे आप लोगों को आपके ट्रेड को कैसे प्लान करना चाहिए जहां पे आपका रिस्क कम हो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज 13 फेब है जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, और कल 14 फेब्रुवरी है जिस दिन आप ये वीडियो देखोगे। वैसे 14 फेब्रुवरी है तो आप लोगों को सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे। और यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड कैसे प्लान करना चाहिए, 13 फेब के हाई को आप लोगों को मार्क कर लेना है। मैं यहाँ पे मैग्नेट ऑन कर देता हूँ, तो 13 फेब का जो हाई है वो है 144.50। अभी ये केस में मैं अभी ऐसा मान रहा हूँ कि ये 144.50 मेरा रीटेस्ट कैंडल है जिसने ये एरिया को रीटेस्ट किया, प्रीवियस ब्रेकआउट एरिया को। अगर कल मतलब आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो उस दिन ये अगर 144.50 के ऊपर जाता है तो आप लोग छोटा सा ऐसे लिए लगा सकते हो जो 13 फेब का लो है विच इज 137.35, वो लो से आप लोग ये स्टॉक को खरीदने के लिए देख सकते हो, और इसका आने वाले टाइम में 165 तक का आप टारगेट देख सकते हो। तो ये हो जाता है रीटेस्ट में बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए और बहुत ही छोटे और टारगेट के लिए आपका ट्रेड। अगर आपको थोड़ा बड़ा ट्रेड करना है तो आप लोगों को आपके स्टॉप लॉस को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अभी आप लोग वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो और आप यहाँ पे देख रहे हो कि पहले ये स्टॉक ने ना यहाँ पे एक स्विंग लो जैसा बनाया था 127-128 के आसपास, उसके बाद ये स्टॉक बहुत अच्छा खासा ऊपर गया था, फिर वापस से नीचे आया है। तो अगर ये स्टॉक अप ट्रेंड में जाने ही वाला है
तो ये क्या करेगा, पहले एक हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा, फिर वापस हायर हाई बनाएगा, हायर लो बनाएगा, फिर वापस हायर हाई बनाएगा। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को प्रीवियस स्विंग लो को स्टॉप लॉस रखना है, विच इज 127, और इसमें जो टारगेट हो गए वो 165 से भी ऊपर हो गए, बिकॉज आप एक बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो। तो मैंने आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम में कैसा ट्रेड लेना चाहिए, रीटेस्ट में कभी भी, जो रीटेस्ट कैंडल होता है ना उसके हाई ब्रेक होने के बाद ही आपकी एंट्री होनी चाहिए, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए। तो ये एक वो स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम जिसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। दूसरा हमारा जो स्टॉक है वो है जीनस पावर इंफ्रा लिमिटेड। अभी देखो ये स्टॉक के बारे में भी मैंने वेनेसडे वाले वीडियो में ही बताया था कि कैसे मल्टीबैगर स्टॉक हम लोग पहचाने, उसके अंदर मैंने ये स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था, और हमने वो डिस्कशन किया था तभी ये 295 के आसपास चल रहा था, फिर ये ऑलमोस्ट 342 तक भी गया था, और अभी जिस हिसाब से मार्केट गिरा, देखो कभी भी मार्केट गिरता है ना तो पैनिक सब जगह पे आती है। ये मार्केट गिरने का साइकिल कैसे शुरू होता है, पहले मार्केट किसी न्यूज के वजह से थोड़ा सा गिरता है, उसके बाद जो ट्रेडर्स जिसने MTF फैसिलिटी ली है, MTF का मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, उनकी ब्रोकर की तरफ से सेलिंग आती है क्योंकि उनको मार्जिन कॉल्स जाते हैं और वो अपना मार्जिन नहीं भर पाते, जिसके वजह से वो ब्रोकर उनके शेयर बेचते हैं। उसके बाद जो दूसरे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये मार्केट गिरा है अभी थोड़ी देर में रिकवर हो जाएगा, जिन्होंने MTF नहीं लिया था वो पैनिक होके बेचते हैं। तो जब तक सब लोगों की पैनिक में सेलिंग खत्म नहीं होती है ना तब तक मार्केट गिरता ही रहता है, और इस तरीके से वो स्नोबॉल इफेक्ट कैसा होता है वो बड़ा होते जाता है। तो जनरली सेलिंग इसीलिए फास्ट होती है और बाइंग होने के लिए फिर टाइम लगता है, बेस बनता है, फिर वापस से एक अच्छा न्यूज आता है या एक अच्छा कैंडल बनता है, फिर बाइंग होती है। तो अभी यहाँ पे जीनस पावर ने रिसेंटली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया था, विच वॉज 289 से लेके 290। अभी मैं आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, 289.70 285 था, हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टॉक ने ब्रेकआउट करके वापस से यहाँ पे रीटेस्ट किया है। अभी हम लोग रीटेस्ट वाले कैंडल पे कैसे ट्रेड करते हैं अब भी मैंने आप लोगों को समझाया, जो कैंडल रीटेस्ट करता है उसकी कैंडल, वही कैंडल को हमें हाई को मार्क कर लेना चाहिए। यहाँ पे 302.60 पैसा है, अगर ये स्टॉक इसके ऊपर जाता है आप लोगों का बाय आप इसमें देख सकते हो, और उसका स्टॉप लॉस आप लोगों को वही कैंडल के लो को लगाना चाहिए, ये केस में 275 है, और उसका एक्सपेक्टेड टारगेट बनता है 344.50। और अगर स्टॉक ज्यादा स्ट्रांग है, जो मुझे तो ऐसा लग ही रहा है, तो इसके ऊपर भी स्टॉक जाता है, तो ये दोनों रीटेस्ट कैंडिडेट मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अभी देखो मेरे चैनल पे मेरी हमेशा एक ही कोशिश होती है कि आप लोगों को मैं लाइव मार्केट के बेसिस पे अच्छे कॉन्सेप्ट प्रॉपर वे में सिखा सकूं, बिकॉज अगर मैं चाहूंगा तो मैं आप लोगों को ऐसे बहुत सारे प्रीवियस एग्जांपल दिखा सकता हूं कि देखो ऐसे रीटेस्ट हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, बट मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर मैं आप लोगों को लाइव समझाऊंगा तो आप लोग इसको प्रॉपर समझ भी सकते हो। मेरा कोई भी इंटेंशन आप लोगों को बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है, इसमें कोई भी चीजें करने से पहले आप अपना एनालिसिस जरूर करिए, मेरे बोलने के ऊपर आप कुछ भी मत करिए, मेरा व्यू बायस भी हो सकता है। और दूसरी बात, इसका जो अर्निंग डेट है वो 13 फेब दिखा रहा है, मतलब जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन ही है, और नेशनल एल्यूमिनियम का भी जो रिजल्ट का डेट दिखा रहा है मेरे ख्याल से वो भी 13 फेब ही है, एक बार मुझे चेक करने दीजिए। यस, तो देख लीजिए इसका रिजल्ट भी कैसे आता है, बिकॉज रिजल्ट के इम्पैक्ट के ऊपर भी इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्टॉक हो सकता है, और यही दोनों अपॉर्चुनिटी मुझे फिलहाल लग रही थी तो मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर कर दी। और मैंने मार्केट के बारे में तो आप लोगों को अपने संडे वाले वीडियो में व्यू दिया ही था, अभी वापस से हम लोग नेक्स्ट संडे वाले वीडियो में मार्केट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बस ये था मेरा आज का ये वीडियो, और मैंने जो आप लोगों को बोला ना कोई भी स्टॉक का टॉप कैसे बनता है वो चीज को आप जरूर ध्यान में रखिए, बिकॉज हर गिरता हुआ स्टॉक रीटेस्ट नहीं होता है, और हर गिरता हुआ स्टॉक में हमें एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। जिस हिसाब से रेलवे और PSE स्टॉक्स में रैली हुई थी और एक टाइम पे आने के बाद उसमें कभी ना कभी एक बड़ी सेलिंग आती है और वहां पे टॉप बनते हैं, बट आप एक ध्यान दीजिए चीज को, अगर वो स्टॉक अपना टॉप बनाना बंद कर रहा है और ऊपर में उसने बहुत बड़े रेड कैंडल से सेलिंग हुई है और हाईएस्ट वॉल्यूम भी हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कैंडल के ऊपर ही ये मार्केट, ये स्टॉक का नया लेवल निकल सकता है, उसके नीचे आप उसको खरीदने की मत सोचिए। कभी कभी मतलब मैं जो मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूं उसमें आप हाई पे खरीदते हो और हाई में बेचते हो, और फंडामेंटल जो इन्वेस्टर होते हैं उनका ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है,
वो नीचे खरीदते हैं और ऊपर एक रीजनेबल वैल्यू पे बेचते हैं। दोनों का तरीका अलग होता है, बट अगर आप जो भी तरीका फॉलो करते हो ना, वो चीज को प्रॉपरली फॉलो करो, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।